studies. Today we are going to continue with the same chapter, chapter number 8, comparing quantities of standard 8 maths and CRT. अपन लास्ट लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट करते हैं और ईयरली कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बहुत डिटेल में किया था. अब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम अपन इस लेक्चर में वापस कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.3. लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. कमला बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम अ बैंक. 26,400 क्या हो गया? प्रिंसिपल. टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ही इंटरेस्ट रेट हो तो ही लेना है, वरना उसको डिवाइड इनटू कुछ करना पड़ता है. ठीक है, जब तक पर एनम है मैं पर एनम वाला बताती हूँ. जैसे यहाँ पे लिए कुछ होगा तो मैं उस हिसाब से तुम लोगों को बताऊंगी. यूजुअली तुमको इस टाइप के सम्स नहीं आते. ठीक है, पर एनम की ही रेट्स होती है. सो पर एनम कितना है? 15% तो आर क्या हो गया? 15% कंपाउंडेड ईयरली. एनुअली एंड ईयरली इज वन एंड द सेम. कंपाउंडेड ईयरली में कौन सी फॉर्मूला लगेगी? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100. वॉट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन. जब भी कंपाउंडेड एनुअली हो तो अपन क्या करते हैं, जितने भी पूरे ईयर्स है उनका एनुअली वाले फॉर्मूला से, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट वाले फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं. एंड जितना टुकड़ों में फ्रैक्शन ऑफ द ईयर है उतना अलग से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एड कर देते हैं. क्लियर एवरीवन? सो ज्यादा क्लियरिटी कब आएगी? बोलने से नहीं, करने से. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2. प्रिंसिपल कितना है? 26,400 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%. एंड नंबर ऑफ इयर्स कितने? 2 years 4 months. ठीक है, तो 2 full years है तो अपन को 2 full years के हिसाब से पहले अमाउंट निकाल देना है. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R/100. एंड अमाउंट कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल कितना है? 26,400. 1+R कितना है? 15/100. एंड कितना है? 2 years. जितना फुल ईयर्स अपन वही कंसिडर करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर नहीं लेंगे अभी. ठीक है, सो इज इक्वल टू 26,400 into 100. ये एलसीएम ले लेंगे सो 100 हो जाएगा, 1 into 100, तो ऊपर भी 100 into हो जाएगा, +15/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26,400 into 115/100. और ये कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा. क्लियर? 2 0 2 0 कैंसिल. 5 20 5 5 2 10 5 3 15 5 4 5 2 10 5 3 15 4 1 4 6 24 4 6 24. क्लियर एवरीवन? अब 66 into 23 into 23. So, पहले 23 का स्क्वायर निकाल देते हैं. 3 3 9 3 2 6. 2 3 6 2 2 4. सो ये कितना आ गया? 529. नाउ 529 into 66, दैट इज 6 9 54. 6 2 12 + 5 17. 6 5 30 + 1 31. सेम चीज रिपीट हो जाएगी. ओके, सो 4 1 9 4 3. 3 4 9 1 4. तो ये क्या आ गया? 3 4 9 1 4. क्लियर? तो 2 साल का अमाउंट कितना आ गया? 3 4 9 1 4. अब क्या बोला है? अच्छा, वो 4 months तो अगर पेंडिंग है. क्लियर? तो अपन इसको रफ कर देंगे. 3 4 9 1 4 याद रखना. सो इज इक्वल टू रुपीज 3 4 9 1 4. अभी जो अमाउंट है वो 2 साल के बाद प्रिंसिपल बन जाएगा. सो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है? PRN/100 इज इक्वल टू पी क्या हो गया? 3 4 9 1 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 15 ही है लेकिन मन सिर्फ 4 है. तो अपन क्या करेंगे? अपॉन 100 into 12 में से सिर्फ 4 मंथ का ही कैलकुलेट करना, तो हमेशा डिवाइड बाय 12 है. अगर फ्रैक्शन ऑफ द ईयर हो तो हमेशा नीचे 12 से डिवाइड करेंगे. क्लियर? सो 4 1 4 25 5 5 5 3 2 6
Clear? So 17457 into 3. 17457 into 3. 3 sevens are 21. 3 fives are 15 plus 2, 17. 3 fours are 12 plus 1, 13. 3 sevens are 21 plus 1, 22. 3 ones are 3 plus 2, 5. So, ye kya aa gaya? 5, 2, 3, 7, 1 divided by 5, 6 are 13. Clear? Ab, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, सो 3 वन जा 3, 22, 3 सेवन जा 21, अच्छा, ये करो ही मत कैलकुलेशन, एक काम करते हैं, 3 टू जा 6, 3 वन जा 3, राइट, अब 5 टू जा 10, तो इजी होगी कैलकुलेशन, 17457 डिवाइड बाय 10, तो ये क्या आ गया, 1745.7, कितना आया इंटरेस्ट 1745.7 ये सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 4 महीने का आया ठीक है सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 34914 माइनस एक काम करते टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते अमाउंट इज इक्वल टू 34914 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1745.7 तो ये कितना हो जाएगा अगर मैं इसके अंदर 34914 ऐड करूं 7 9 5 16 6 36659.7 36659.7 ये टोटल अमाउंट आ गया अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल टोटल अमाउंट है 36659.7 प्रिंसिपल है 26400 तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया 10259.7 क्लियर एवरीवन अच्छे से इसको गो थ्रू करो तो नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट आया 10259.7 एंड अमाउंट आया 36659.7 क्लियर एवरीवन ठीक है ओके अब कर देती हूँ नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 3 फबीना बोरोज रुपीज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच मतलब फबीना ने प्रिंसिपल कितना है फबीना ठीक है फबीना और कौन कौन लोग हैं फबीना और राधा ठीक है प्रिंसिपल कितना है 12,500 रुपीज इसने बोरो किए थे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 12% पे और नंबर ऑफ इयर्स 3 एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम पीरियड मतलब प्रिंसिपल 12,500 ही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ इयर्स सेम है 3 इयर्स एंड क्या बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकिन 10% राइट तो दोनों के कितना इंटरेस्ट दोनों में कितना इंटरेस्ट का फर्क पड़ेगा और कितना इंटरेस्ट एक्चुअली आ क्या बोला है फबीना का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है राधा को कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना है एंड दोनों के इंटरेस्ट को कंपेयर करना है ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है पी आर एन अपॉन 100 तो प्रिंसिपल कितना 12,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% इंटू 3 अपॉन 100 0 0 कैंसिल
12 3 36, 125 × 36 करूं अगर मैं, 6 5 30, 6 2 12 + 3 15, 6 1 6 + 1 7, 3 5 15, 3 2 6 + 1 7, 3 1 3 0 0 15 4 4500 rupees. इसका कितना आया इंटरेस्ट? 4500 rupees. अब इसका कैलकुलेट करते हैं. अमाउंट एनुअली बोला है तो अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 वाली फॉर्मूला लगेगी. यस, एन इज इक्वल टू 12,500, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 10/100, 3 इयर्स. ठीक है, सो 12,500 इंटू 110 upon 100. ठीक है, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 1 0 इसको कैंसिल, 1 0 इधर से कैंसिल. क्लियर? अब 11 11 121 121 इंटू 11 करूं, 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 को अगर मैं 125 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 5 1 5 5 3 15 5 3 15 + 1 16 5 1 5 + 1 6 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 1 2 1 3 3 1. ठीक है, सो 5 7 13 6 6 12 + 3 15 + 1 16 2 + 1 3 3 + 3 6 1 6 6 3 7 5. 1 6 6 3 7. So, ये कितना आ गया? 1 6 6 3 7 5 upon 10, मतलब 1 6 6 3 7.5. क्लियर? 10 है तो एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा. अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? एंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 1 6 6 3 7.5 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,500. क्लियर? सो ये कितना हो गया 7 3, 6 - 5 1 6 - 2 4 and 0. सो 4137.5. तो इसका इंटरेस्ट आया 4500, इसका आया 4137.5. क्या पूछा है? हु पेज मोर इंटरेस्ट? तो फबीना पेज मोर इंटरेस्ट. एंड बाय हाउ मच? तो हाउ मच के लिए क्या करेंगे? 4500 माइनस 4137.5 10 5 9 2 9 6 4 3 0. फबीना पेज मोर इंटरेस्ट बाय रुपीज 362.5. क्लियर एवरीवन? फबीना 362.5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करती है अगर वो सिंपल इंटरेस्ट से पे कर रही है तो. क्लियर एवरीवन? अच्छे से इसको गो थ्रू करो. ओके, नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ. आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स. हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे? क्या बोला है कि मैंने 12,000 जमशेद से बोरो किए हैं, ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मैं पैसा बोरो कर रही हूँ तो. एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट फॉर बोरो के, ठीक है.
Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra? अगर मैं compound interest पर borrow करती तो मुझे कितना extra interest pay करना पड़ता? ठीक है, तो सब चीजें सेम रहेगी, खाली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है. सो प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रिंसिपल कितना है? ₹12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% एंड एन 2 years. ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली. ओके, सो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालूं तो क्या आएगा? पी आर एन अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है? पी आर एन अपॉन 100, दैट इज 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू नंबर ऑफ इयर्स 2 अपॉन 100. 00 कैंसिल, 00 कैंसिल. 6 × 12 = 144 और एक 0. सो 1440 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स में आया. ठीक है, नाउ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टर्म में देखना है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R / 100 एंड कितना है? 12,000. 1 + rate of interest कितना है? 6 / 100. नंबर ऑफ इयर्स 2 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 106/100 इंटू 106/100. क्लियर? ये चीज तुमको निकालनी आती है, मैं अज्यूम कर रही हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत सारे समय तुमको सिखा दिया है. ठीक है, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 10 और कैंसिल, 10 और कैंसिल. क्लियर? Now, 106 into 106. 6 6 are 36, 3. 6 0 is 0 plus 3. 6 1 are 6. 0 0 0. 1 6 are 6, 1 0 is 0, 1 1 are 1. 6 3 12, 1 1. 1 1 2 3 6. Kya aaya? 1 1 2 3. Oh, sorry. 1 1 2 3 6 को अभी तक 12 से इंटू करना बाकी है. सो 1 1 2 3 6 इंटू 12, 2 6 12, 2 3 6 + 1 7, 2 2 4 2 1 2 2 1 2, 1 6 6 3 2 1 1. सो ये कितना आया? 13 8 4 3 1 1 3 4 8 2. याद रखना 1 3 4 8 2 इज इक्वल टू 1 3 4 8 2 अपॉन 10. एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 3 4 8 3.2. ये आ गया अमाउंट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 1 3 4 8 3.2 माइनस प्रिंसिपल है 12,000 इज इक्वल टू 1483.2. मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा. ठीक है, और बाय हाउ मच पूछा एक बार देख लेते हैं. किसमें ज्यादा पे करना पड़ेगा? वो तो 100% पूछा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा. और व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट पूछा तो अपन क्या करेंगे? 1483.2 माइनस 1440. ठीक है, 2 3 4 0 0. सो 43.2 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. 43.2 रुपीज एक्स्ट्रा शुड बी पेड. इन कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, क्लियर एवरीवन? एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, कंपेयर करना है. क्लियर एवरीवन? सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्टली इंटरेस्ट निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने को अमाउंट मिलेगी, जो अमाउंट को प्रिंसिपल को अमाउंट में से माइनस करना एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा. क्लियर एवरीवन? अच्छा, इसको गो थ्रू करो. ओके, नेक्स्ट सम, टोटल 12 सम है. अपन 5 अभी करेंगे, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, वासुदेव इन्वेस्टेड रुपीज 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. हाफ ईयरली मतलब आर के अपॉन 200 वाली फॉर्मूला लगेगी, अपॉन 2n वाली. व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स एंड आफ्टर 1 ईयर? तो उसको 6 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा, 1 ईयर के बाद कितना मिलेगा. सो प्रिंसिपल कितना है, रुपीज 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और एन एक है 6 मंथ्स और दूसरे में एन कितना है 1 ईयर. ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्लियरली बोल दिया है. तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली की फॉर्मूला क्या आएगी, ए इज इक्वल टू प्ली पी 1 प्लस, अब 6 मंथ्स मतलब क्या हो, 0.5 ईयर हो गया, आधा साल ना. 6 ईयर मतलब क्या, 0.5 ईयर हो गया. 1 अपॉन आर अपॉन 200, आर 1 प्लस आर अपॉन 200 2n. सिमिलरली सेम फॉर्मूला इधर भी यूज होगी, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 200 2n. ठीक है, ओके. सो ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू प्रिंसिपल 60,000 दे दिया है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दे दिया है, अपॉन 200 2 इंटू 0.5. a इज इक्वल टू 60,000 1 प्लस 12 अपॉन 200 2 इंटू 1. क्लियर, अब एक ये पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद वो सॉल्व करेंगे. इज इक्वल टू 60,000 200 सा 26 सा, सो 106 अपॉन 100 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1, 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1. सो एक ही बार है तो ऐसे कर दिया, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 106 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 0 जा 0 3, 6 1 जा 6, 6 36. कितने जीरो है, 2 जीरो एक्स्ट्रा है, राइट. तो 6300 रुपीज अपना अमाउंट आ गया इधर का. इधर क्या आएगा, 60,000 सिमिलर 100 6 हो जाएगा. सो 106 2 1 जा 2 मतलब दो बार करना पड़ेगा, इंटू 106 अपॉन 100. दो जीरो कट, दो जीरो कट, दो जीरो कट, दो जीरो कट. क्लियर एवरीवन? सो ये क्या हो गया, 106 इंटू 106 कितना होता है, 6 6 0 0 0 1 6 6 1 0 0 1 1 1 6 3 12 1 1 1 1 2 3 6. क्लियर, 1 1 2 3 6 इंटू क्या करेंगे, 6 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, 6 जा 12 प्लस 2 14, 6 जा 6 प्लस 1 7, 6 जा 6 तो 6 7 4 1 6, 6 7 4 1 6 याद रखना, 6 7 4 1 6 6 7 4 1 6 rupees. क्लियर, सो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे तो 6 3 6 00 आएगा, लेकिन अगर 1 ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो 6 7 4 1 6. अब एग्जैक्टली पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, अच्छा व्हाट अमाउंट, इस केस में क्या अमाउंट मिलेगा, इस केस में तो दोनों का आंसर आ गया. इस केस में 6 3 6 00 रुपीज अमाउंट मिलेगा, इसमें 67,416 रुपीज अमाउंट मिलेगा. क्लियर एवरीवन? सो विल एंड दिस लेक्चर हियर, सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर हियर एंड विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 6 इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.